Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshata Srila Lokanath Maharaj Ne Kaha Ki Samanyata Bhatlok Jata Utsai Hote Hain कीर्तन के लिए भाषण के लिए नहीं है लेकिन नवविध भक्ति में श्रवण और कीर्तन ये दो मुख्य है और ये दोनों से कृष्ण का स्मरण होते हैं और ये दोनों से कृष्ण सेवा करने के लिए भजन प्रेरणा मिलते हैं तो श्रवण भी करना है कीर्तन पूर्ण होते हैं श्रवण के साथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक दृष्टांत दिया है कि राधा जैसे भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और कृष्ण जो परम पूर्ण भगवान है तो फिर भी आप उनको अपूर्ण मानते यदि राधा की संगति नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार कीर्तन जो भगवान का नाम है और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वान नाम नामे ना जो भगवान जैसे पूर्ण है भगवान से अभिन्न है वो कीर्तन अपूर्ण होते यदि साथ साथ श्रवण भी नहीं होते तो श्रवण नाम का श्रवण होते हैं और नाम की महिमा का श्रवण होते हैं और नाम ही भगवान उनकी महिमा वो भी श्रवण करना है तो ये भगवत तत्व विज्ञान विशाल है तो एक दो क्षण में सब कुछ कहना संभव नहीं है और एक दो ब्रह्मा का जीवन आयु में कहना संभव नहीं है अनंत भगवान अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान की महिमा भगवान का नाम की महिमा बोल रहे हैं फिर भी उसका अंत नहीं मिलता इसलिए उनका नाम अनंत है तो भगवान का नाम का महात्म्य श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस कलयुग की स्थिति का वर्णन में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कलयुग में सद्गुण तो लगभग नहीं है और अगर हो तो हर एक दिन वो सद्गुण जो बहुत कम होते हैं और हर रोज और भी ह्रास होते हैं सब सद्गुण तथा चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिना राजन नंक्षंत्यायोर बलं स्मृति हर रोज ये सब सद्गुण जिनमें धर्म और सत्य मुख्य प्रमुख है धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया आयु बल शारीरिक बल और मानसिक स्मृति हर एक दिन ये सब सद्गुण का ह्रास होते हैं और इसलिए इस कलयुग एक दोष का सागर जैसे तो सागर में क्या है जल 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 और जल वो मछली जो सागर में रहते हैं तो मछली अगर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं दक्षिण जाते हैं उत्तर जाते हैं पश्चिम जाते हैं पूर्व जाते हैं तो हर एक दिशा में दस दिशा में केवल जल मिलते हैं उस प्रकार
इस कलयुग एक दोष का सागर है हर एक क्षेत्र में दुर्नीति है मिथ्या वचन होते हैं असत भावना होते हैं भाई से भाई द्वेष होते हैं दोष का सागर होते हैं इस कलयुग कलयुग का लक्षण है कि लोग जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलते उसका अर्थ नहीं समझते और पशुओं जैसे बिठे रहते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रचय इस कलयुग एक दोष का सागर है लेकिन हे राजन हे परीक्षित महाराज एक महान गुण है इस कलयुग का एक महान गुण है जिससे कली हत्य जीव कली कलमशों से बचा जाते हैं ये एक गुण है कि कृष्ण कीर्तन से लोग तो काली के सब दोष से विमुक्त होते हैं और भगवान के पास जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कौन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं श्री कृष्ण और राधा एक साथ आए हैं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं है तो यही कृष्ण जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान है जो जगन्नाथ है आए हैं खुद का नाम का प्रचार करने के लिए खुद का नाम का रस पीने के लिए वो नाम रस सबको वितरण करने के लिए कलयुग में सद्गुण तो नहीं है सब लोग पापी तापी है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पापी तापी जतो छिलो हरि नाम उधार लो तार शाखी जगाए माधार तो चैतन्य महाप्रभु की लीला का समय में दो महान धुरता थे जगाए और माधार इस आधुनिक काल में तो लगभग सभी लोग जागाए और माधाए जैसे सब मांस खाने वाले शराब पीने वाले झूठ बोलने वाले तो कौन सद व्यक्ति है कौन अधिकारी है योग करने के लिए कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग कोई अधिकारी नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब अधिकारी है नाम कहने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभु का प्रचार केवल महान पंडितों के लिए नहीं है सबके लिए है और विशेषकर सरल लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रदान ग्रहण करते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दीने रे अधिक दया करे भगवान पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान जो समाज की दृष्टि में बड़े बड़े लोग हैं कुलीन बड़ा ब्राह्मण पंडित धनी तो बड़ा अभिमानी भी है जो सरल लोग हैं उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है हरि नाम तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार व्यवहारिक है और वो व्यवहार क्या है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन कर तो अभी श्रवण हो गए अभी कीर्तन हो गए व्यवहारिक कृष्ण धर्म नाम धर्म लोकनाथ महाराज
Chaitanya Mahaprabhu or Srila Prabhupada say, Prerit Hui is Vishwa ka Harinam Devastapan kiya hai. Abhi kuch varshon mein Harinam ka Devas chal raha tha. Abhi Harinam ka sapta or dhire dhire Harinam ka paksh, Harinam ka mas, pura salta. Harinam ka salta. Hare Krishna. बहुत-बहुत धन्यवाद.